भी चलो, कटते भी चलो, बातों भी बहुत है और सर भी बहुत, बढ़ते ही चलोगे अपने रे मंजिल तक जाने उन लोगों को ये पैगाम दे देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें मौत के मुंह में रखा और ना दिन का पता चलता था ना रात का पता चलता था। इतने दिन डॉगर साहब इनके इशारों पे नाचते रहेंगे, ये नचवाते रहेंगे, जब डॉगर साहब किसी उनका ज़मीर किसी बात पे भी अगर जाग गया तो उन्होंने इसी वक्त उनको बदल देना है। तो मैं इस बात पर अफसोस ही लोगों को ये पैगाम दे देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें मौत के मुंह में रखा और ना दिन का पता चलता था ना रात का पता चलता था। इमरानी फितना दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुँचेंगे, कुछ अपनी जगह ले जाएंगे। खाक नशीनो उठ बैठो, वो वक्त गरीबा पहुँचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं जिनका सनाटा ले जाएंगे। बढ़ते भी चलो, कटते भी चलो, बातों भी बहुत है और सर भी बहुत, बढ़ते ही चलोगे अपने रे मंजिल तक जाने वाले। कि रियासत मदीना के जो जैली हुक्मरान हैं, जो इमरान खान साहब अपने आप को जो है वो शाही ख़ानदान का फर्द समझते हैं, उनका हुक्म है और ये लोग तमील कर रहे हैं ग़ुलाम बन के। तो बहरहाल इनको इस तरह नहीं करना चाहिए। जो मैं समझता हूँ कि पंजाब पुलिस की, लाहौर पुलिस की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लॉ एंड ऑर्डर की है, वो शहरीों के जान माल के तहफ़ की है। लेकिन आप शहरीों के जान माल के तहफ़ को पीछे फेंक कर इमरान खान की ज़ाती अना और ज़ाती ख्वाहिशात की भीड़ लोगों को चढ़ाएंगे। ये दो गरीब कारकुन हैं, ये आज 15 दिन के बाद जेल से रिहा हो रहे हैं। इनकी इन 15 दिनों 15 रातों का हिसाब दुनिया और आखिरत में दोनों जगह पे इन हुक्मरानों को बहरहाल देना पड़ेगा। बताएं कि सीसीपी लाहौर जैसे ये पंजाब की हुकूमत है, ये सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर को तैनात कर दिया गया, इस हवाले से देखिए बात गुलाम महमूद डोगर साहब की नहीं है, बात एक ज़हनी सोच की है कि इससे पहले जो आपको पता है कि वो एक और सीसीपीओ साहब आए थे, वो जो क्या उनका नाम मैं भूल गया, अब तो नाम भी नहीं याद रहा, कि जो जिनके दौर में मोटरवे का स्कैंडल हुआ था। तो यानी जो भी अफसर लगाते हैं इन हुक्मरानों का माइंडसेट इंतकाम है, तो जब अफसर इनके इशारों पर चलता है तो वो चलता रहता है, जितने दिन चलता है उतने दिन चलता रहता है। जितने दिन डॉगर साहब इनके इशारों पर नाचते रहेंगे ये नचवाते रहेंगे। जब डॉगर साहब किसी उनका ज़मीर किसी बात पे भी अगर जाग गया तो उन्होंने इसी वक्त उनको बदल देना है। तो मैं इस बात पर अफसोस ही कर सकता हूँ कि आला तरीन अफसरान हैं वो अपनी मैं समझता हूँ कि अपने ज़ाती किरदार को देखते हुए, अपने माजी को देखते हुए अपना मामला ठीक करें और अपनी नेकनामी जो उनकी आज तक थी उसी को छोड़ के जाएँ, ना कि किसी हुक्मरान के इशारे पर नाचते हुए अपनी वो तमाम नेकनामी ख़राब करके जाएँ। लेकिन जो सरकारी अफसरान होते हैं, जो हुकूमत होती है, उसके वो आलाकार बन जाते हैं और उसमें उनके ज़ाती इंटरेस्ट ये होते हैं कि नंबर बन जाएं, रिपोर्टें अच्छी हो जाएं, आगे तरक्कियां हो जाएं। अब सीसीपीओ साहब को ये देखना चाहिए था कि ये जो एफआईआर है इसमें कोई 100 लोग नामालूम लिखे हुए हैं और ये तो बेचारे बिल्कुल मासूम लोग हैं, उन नामालूम लोगों में हरासमेंट फैलाने के लिए हमारे वर्करों में इन्होंने ये दो लोग उठा लिए, ना तो किसी तस्वीर कैमरे में इनकी तस्वीर होगी ना कोई और गवाही होगी। कोई बात नहीं, हम कुर्बानियां देते आए हैं, पीएमएलएन के वर्कर और लीडरशिप हम सब कुर्बानियां देते आए हैं। अफसर को ये चाहिए कि वो कुछ इस तरह के लोगों को पकड़ें जो वाकई जिनके नाम हैं एफआईआर में और जिन्होंने वाकई कुछ जुर्म किया है। ये जो सियासी कार्रवाई होती है ना, इससे अफसरों को चाहिए कि गुरेज करें और बताएँ। इनका ये भी एक काम होता है ब्यूरोक्रेसी का कि ये जब सियासी हुकूमतें आती हैं तो अगर कोई नाजायज़ ऑर्डर दे तो उन्हें बताएं कि जनाब कानून के हिसाब से ये नाजायज़ है, उसके बावजूद भी कुछ ज़िद करता है तो फिर अपनी नौकरी की खातिर ये करें।